नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। बस अब से थोड़ी देर में तीरथ सिंह यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत अब उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्हें बस अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगी। बुधवार सुबह देहरादून स्थित बीजेपी के कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और तीरथ सिंह यादव को नया नेता चुना गया। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं। तीरथ सिंह रावत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और रावत शपथ से पहले तीरथ सिंह रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया है, शपथ ग्रहण की तैयारी है। हमारे साथ गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत है जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए है और आपका नाम एकदम से एक तरह से आला कमान ने सबको चौंकाने का काम किया है। देखिए मंजीत भाई, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी और जब कल्पना नहीं की थी मैं तो ये हुआ कि सब सांसदों को जाना है, उस रूम में आया। लेकिन मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, वरिष्ठ नेतृत्व केंद्र उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं दिल से, हृदय से। जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, मुझ पर विश्वास जताया, मैंने कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंच सकता हूं। एक छोटे से गांव का, छोटे परिवार का, एक स्वयंसेवक के रूप में आया था, विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। भाजपा राजनीति तो सोचा भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न पदों पर रहने का मौका मिला। ये मेरे नेतृत्व का मुझ पर जिस तरह विश्वास रहा है और जो जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई है, और मैं कह सकता हूँ कि आज भी बखूबी से निभाऊंगा और उनके जो विश्वास है उसको बेकार नहीं जाने दूंगा। इतना ही रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह फंडा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आम जनता को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ने का काम मैं करूंगा। अपने विधानमंडल दल, अपने जनप्रतिनिधि, जो भी कार्यकर्ता हैं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और इस प्रदेश का चौमुखी विकास कर सकें जिसके लिए उत्तराखंड बना है। और मेरा पुराना जो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, मेरी सरकार और जो काम उन्होंने किए हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जिस तरह उत्तराखंड को नया आयाम दिया है, कल्पना नहीं कर सकते। चार धाम योजना है और आज ट्रेन की लोग जगह जगह मांग करने का भी सोचा भी नहीं होगा। आजाद भारत में पहली बार ट्रेन का पहुंचना, वो भी उत्तराखंड में पहाड़ में पहुंचना, ये मोदी जी की देन है। और उसको लेकर और एक रुपये में पानी का कनेक्शन, हर घर में नल, नल में जल, और इसको ये इतने काम हुए। लेकिन आगे भी यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, वो प्राथमिकता रहेगी। अभी भी क्योंकि कैमरा नीचे, ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। बस अब से कुछ ही देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत शपथ लेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंच चुकी हैं। बस शपथ ग्रहण कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें तीरथ सिंह रावत को अपना नेता चुना गया। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं, वो उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगी और बस अब शपथ कुछ ही देर में लेंगे। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, आपने विस्तार से बात भी की तीरथ सिंह रावत से,
ये अचानक से नया नाम चौंकाते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से फैसला किया, क्या शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है? मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। हो गया, हो मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है तीरथ सिंह रावत ने। तीरथ सिंह रावत संघ से जुड़े हुए रहे, एबीवीपी से उनका नाता रहा, एक बार विधायक रहे, उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मौजूदा सांसद हैं और अब मुख्यमंत्री के पद तक वो पहुंच चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका चुनाव कैसे हुआ तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि मैं इस पद तक पहुँचूँगा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी। अरे कैमरा, अरे यार बिल्कुल आ गया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन्हें बस सबसे कुछ ही देर पहले शपथ दिला दी गई है। तो बीजेपी में एक गुट ऐसा था जो असंतुष्ट हो गया था, कुछ विधायक कुछ मंत्री नेतृत्व परिवर्तन की लगातार मांग कर रहे थे। आलाकमान ने उस मांग को स्वीकार किया और उत्तराखंड के नए बीजेपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तीरथ सिंह रावत। मंजीत, अब वो जो असंतुष्ट थे, वो जो मंत्री और विधायक थे, क्या विस्तार की सब पर निगाहें टिकी हुई हैं और क्या उन्हीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी, क्या इस बात की संभावना है? देखिए, ये बड़ी चुनौती रहेगी सईद तीरथ सिंह रावत के सामने, क्योंकि उनसे कई बड़े नेता उम्र में अनुभव में इस वक्त पार्टी और संगठन में हैं, जिनको लेकर साथ चलना होगा। चाहे बात वर्तमान अगर मंत्रिमंडल की जाए थी, जिसमें सतपाल महाराज से लेकर तमाम बड़े लोग शामिल हैं। जी, अब तीरथ सिंह रावत को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उन्होंने शपथ ले ली है, तो क्या इस बात की संभावना कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और असंतुष्टों को शामिल किया जाएगा? कोई सुगबुगाहट या कोई अंदर से आपको इस बारे में खबर मिली है मंजीत? सहित आज भी इस बात को लेकर जानकारी मिल पा रही थी कि आज उनके साथ तीन मंत्री शपथ ले सकते हैं। जब जब सुबह उनका नाम की घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार जब तैयारियां हो रही थी, राज्यपाल से समय लिया गया, उस दौरान भी ये चर्चा थी कि सतपाल महाराज के अलावा और जो पुरानी सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी अंतर्विरोध है पार्टी और संगठन के बीच में, कई बड़े नेता हैं जो तीरथ सिंह रावत से उम्र और अनुभव में भी बड़े हैं, तो उसको लेकर अभी मुझे लगता है कि एक दो दिन और माथापच्ची यहाँ पर चलेगी संगठन और सरकार के बीच में। यहाँ के खासतौर से जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और बाकी बड़े नेता, वो अभी कई बैठकों का दौर होगा, उसके बाद बाकी नामों को लेकर सहमति होगी।
मंजीत एक बात और बताइए, बीजेपी और उत्तराखंड सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध जरूर हुआ, लेकिन जो विरोध के स्वर थे वो बहुत ज़्यादा मुखर नहीं थे, विरोध बहुत खुल के नहीं हुआ, लोग खुलकर सामने नहीं आए, सीधे आलाकमान के पास गए, आलाकमान ने फैसला कर लिया। तो ये फैसला बीजेपी आलाकमान का है, क्या ये फैसला विरोधियों को संतुष्ट कर पाएगा या ये वाकई विधायक दल में नेता चुने गए तीरथ और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले? सईद, आज सुबह जब बैठक के लिए सांसदों को बुलाया गया, कई सांसद देर शाम सूचना देने के बाद आज सुबह पहुंचे, जिस तरह से रमेश पोखरियाल निशंक आखिरी मौके पर पहुंचे, उसके अलावा अनिल बलूनी नहीं पहुंचे, उन्होंने देर शाम ही इस बात से इनकार कर दिया था कि वो नहीं आ रहे हैं। तो इस बात की जानकारी, इस बात की तैयारी आलाकमान की तरफ से की गई थी कि नए नेता का चुनाव सांसद से भी हो सकता है, इसीलिए पहली बार विधानमंडल दल की बैठक में विधायक के अलावा सांसदों को बुलाया। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने तीरथ सिंह के साथ, क्या चुनौती होंगी तीरथ सिंह जी के सामने आने वाले दिनों में, क्या अपने जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया? तीरथ जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि तीरथ जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके वो काम करेंगे और सफलतापूर्वक एक साल निकालेंगे और अगला चुनाव भी तीरथ जी के क्षेत्र में, तीरथ जी के नेतृत्व में हम लोग जीत हासिल करेंगे। जी, तो उनके जो सहयोगी हैं, जो जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उम्मीद जरूर जता रहे हैं, लेकिन मुश्किलें बहुत होंगी। सही, तो मंजीत आप हमारे साथ बने रहिए और हमें आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले तीरथ सिंह रावत की पत्नी है, बस अब शपथ ग्रहण से कुछ ही देर पहले, इनका नाम है डॉक्टर रश्मि त्यागी, उनसे बात की हमारे संवाददाता मंजीत ने। हमारे साथ उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी हैं। आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरह अचानक तीरथ सिंह रावत जी को नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है? बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, सारे कार्यकर्ताओं के लिए, परिवार के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको उम्मीद थी इस तरह की, जिस तरह का उनका खासतौर से संघर्ष रहा है आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर, उसके पार्टी अध्यक्ष, मंत्री और अब सांसद के तौर पर, आप उम्मीद कर रही थी? हाँ, मैं उम्मीद इसलिए कर रही थी कि जो जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और पार्टी को एक आइडियोलॉजी जो है पार्टी की और उसके अनुसार एक पर्सनैलिटी चाहिए थी, तो तीरथ सिंह जी उसमें फिट बैठते हैं और मुझे लगता है इसलिए, मुझे लग रहा था, इंट्यूशन हो रहा था कि थोड़ा उनको, चाहे भले ही उनका मीडिया में नाम नहीं आ रहा है लेकिन उनको चांस मिलेगा। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आपकी सफलता के पीछे, उन्होंने आपका नाम भी बताया, आप लोगों का पुराना साथ रहा है विद्यार्थी परिषद से लेकर, उन दिनों को कैसे आप याद करते हैं, कैसे आपकी मुलाकात? बहुत अच्छा याद करते हैं, पार्टी संगठन से आई हूं मैं अभी और तीरथ जी भी संगठन में ही काम करते थे, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्रा हूं, वहीं से मैंने एमफिल पीएचडी किया है और चुनाव भी लड़ाया मुझे बीजेपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद हेतु, उस समय वहां पे छात्रा को चुनाव नहीं लड़ाया जाता था लेकिन मैं पहली कैंडिडेट थी यूनिवर्सिटी कैंपस में कि मुझे चुनाव लड़ाया गया और उसी दौरान मेरी तीरथ जी से मुलाकात हुई और एक, क्योंकि मैं भी इसी संगठन से जुड़ी हुई थी तो एक विचारधारा के कारण हम लोग आगे जीवन। कौन सी तीरथ जी की अच्छी और बुरी बातें हैं जो आप उनको, किस बात से उनसे नाराज होती हैं और किस बात, कोई कौन सी बात अच्छी लगती है आपको? नाराज तो खैर परिवार है, सब चीजें होती रहती है लेकिन अच्छी बातें हैं उनमें। एक तो वो बहुत एडजस्टेबल है, समझदार हैं और सिचुएशन को भांप लेते हैं और उसके अनुसार वो अपने को रिएक्ट करते हैं और मैं तो टीचर हूँ एक, तो अब क्या सलाह होगी, कैसे उनकी मदद करेंगी कि वो अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभाएं? बहुत अच्छे से करें, वो मेरी यही उनको शुभकामनाएं हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है, मुख्यमंत्री बनने की बधाई आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई आई है। उधर बधाई तो नरेंद्र मोदी ने दी लेकिन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने पर तीरथ सिंह रावत ने यह कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा क्योंकि पार्टी में असंतोष है और उसके बाद उन्हें बनाया गया है मुख्यमंत्री। तीरथ सिंह रावत ने ये कहा कि मैं सभी की परेशानियों को भी दूर करूंगा, सबको साथ में लेकर चलूंगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को
मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बस सबसे कुछ ही देर पहले उन्होंने शपथ भी ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उन्हें शपथ ग्रहण के फौरन बाद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी दे दी है। लेकिन चुनौती उनके सामने ये है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, और हटाया इसलिए गया क्योंकि उन्हीं की पार्टी बीजेपी में ही कुछ विधायक और मंत्री उनसे नाराज चल रहे थे। 3 मंत्री पद खाली पड़े थे, लेकिन वहाँ मंत्रियों मतलब विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा था। तो अब इंतज़ार सबको इस बात का है कि कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।